गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस परसेंटेज कंपोजिशन. परसेंटेज कंपोजिशन आपका क्लास 11th और 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है. ओके, परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है? परसेंटेज कंपोजिशन आपको बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड में. क्लियर? क्या बताता है कि अमाउंट ऑफ एलिमेंट, परसेंटेज कंपोजिशन, द अमाउंट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड, कि 100 ग्राम में कितना एलिमेंट, द अमाउंट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड, कि 100 ग्राम कंपाउंड में आपका कितना एलिमेंट प्रेजेंट है, कितना अमाउंट प्रेजेंट है. क्लियर? तो इसका क्या होता है, इसको मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट भी बोलते हैं. क्लियर? मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट. फॉर्मूला क्या होता है कि उस एलिमेंट का कितना मास प्रेजेंट है, और डिवाइड करते हैं जो टोटल मास होता है कंपाउंड का. क्लियर? तो मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड. क्लियर? और मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिस भी एलिमेंट का कैलकुलेट करना है उसका कितना मास प्रेजेंट है कंपाउंड में, जो कंपाउंड आपको गिवन है, डिवाइड कर दे देना है उसको फिर टोटल मास से कंपाउंड के, और मल्टीप्लाई करना है 100 से. ओके, अब न्यूमेरिकल करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या चीज़ें हैं. फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट. आपको हर एलिमेंट का मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है जो किस में प्रेजेंट है, सोडियम सल्फेट में. क्लियर? तो फर्स्ट सॉल्व करते हैं हम. फर्स्ट का ए पार्ट, सोडियम सल्फेट है आपका गिवन. अब सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला देखिए, Na2SO4. क्लियर? तो फर्स्ट इसमें एलिमेंट कौन कौन से प्रेजेंट हैं, Na प्रेजेंट है, मतलब सोडियम प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन प्रेजेंट है. आपको हर एलिमेंट का निकालना है परसेंटेज. क्लियर? और जो टोटल परसेंटेज होगी, जो टोटल होगा आपका, वो कितना होगा, 100% में से कितना सोडियम प्रेजेंट है, कितने परसेंट सल्फर प्रेजेंट है, कितने परसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है, आपको सबका निकालना है. और डिवाइड क्या करना है, टोटल मास से. अब पहले टोटल मास ही निकाल लेते हैं, टोटल मास ऑफ कंपाउंड. तो देखिए, Na में सोडियम जो है, कितना होता है सोडियम का मास, 23, और कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है, 2 प्लस. सल्फर का मास 32 प्लस. ऑक्सीजन का कितना है, 16, और मल्टीप्लाई करना है कितने से, 4 से. क्लियर? तो ये है आपका टोटल मास कंपाउंड का. आप सोल्व करेंगे तो 46 प्लस 32 प्लस 64, और ये होगा आपका 142 ग्राम. क्लियर? कितना आया, 142. ओके, ये आ गया टोटल मास ऑफ सोडियम सल्फेट. आपने एक चीज़ कैलकुलेट कर ली. अब आपको हर एलिमेंट का निकालना है मास परसेंटेज, और कि जितना भी मास प्रेजेंट है इस कंपाउंड में उससे क्या करना है, फॉर्मूले पुट करते हैं. तो फर्स्ट हम निकालते हैं मास परसेंटेज ऑफ Na. पहला एलिमेंट सोडियम ले लेते हैं, तो क्या होगा, मास ऑफ सोडियम प्रेजेंट इन कंपाउंड, कितना मास प्रेजेंट है. अब देखिए कितना प्रेजेंट है, 23 इंटू 2, डैट इज 46 ग्राम. ओके,
तो 46 को डिवाइड करेंगे 142 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। क्लियर? तो जो भी आपकी परसेंटेज आएगी वो क्या आएगा, आपका मास ऑफ सोडियम। ओके, ये अप्रोक्स आपका 32.3% आएगा आपका। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं आपका, अब है आपका सल्फर। सल्फर का कैलकुलेट करना है आपको, मास परसेंटेज ऑफ सल्फर। तो सल्फर का कितना मास प्रेजेंट है, 32 डिवाइड बाय 140 इंटू 100। आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर लेंगे, आपकी परसेंटेज जो आएगी वो आएगी अप्रोक्स 22.5%। क्लियर? सेम ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं मास ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे राइट डाउन करके दिखा देती हूँ आपको, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? तो देखिए, आपको ऑक्सीजन का ऐसे नहीं है कि सिर्फ 16 लेना है, आपको टोटल मास लेना है जो कंपाउंड में प्रेजेंट है। कितना प्रेजेंट है, एक का 16 होता है तो 4 का कितना हुआ, 64। ठीक है, तो 64 डिवाइड बाय 142 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आएगा आपका 45% अप्रोक्स। क्लियर? तो ये अप्रोक्स में आंसर निकाला है मैंने थोड़ा सा, आप टोटल करके देखेंगे तो तीनों का सम आपका 100% ही आएगा। ओके, इजी था। आपको ऐसे ही निकालना होता है मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे उसने हर एलिमेंट का बोला था, वो स्पेसिफिक किसी एक एलिमेंट का भी कैलकुलेट करने के लिए आपको बोल सकता है। ओके, अब एक चीज़ और देख लीजिए, जैसे मैंने इन दो का निकाला और थर्ड के लिए भी मैंने सेम किया, आप यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते थे। क्या कर सकते थे, आपको पता है कि जो टोटल है आपका, जो कंपाउंड है वो टोटल कितना परसेंट है, 100%। तो आप क्या कर सकते थे, ऑक्सीजन का मास परसेंटेज निकालने के लिए 100 में से इन दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। देखिए कैसे, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आप चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं इस मेथड से सेम ऐसे ही, या 100 माइनस, आपने दो का निकाल चुके हैं 32.3 प्लस 22.5%, आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा। ओके, आप 100 में से माइनस भी कर सकते थे, ठीक है, आप चाहे तो कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं अपना। ओके, तो ये था हमारा मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। इसी को बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, कि कितना परसेंट आपका कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड में। क्लियर? तो जब 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड बनाते हैं तो उसमें 32.3% सोडियम लेते हैं, जब सोडियम सल्फेट बनाते हैं, ओके, 22.5 आपका सल्फर लेते हैं और 45 आपका क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं हम कैल्शियम फॉस्फेट। सेम ऐसे ही करना है आपको, देख लीजिए एक बार। ओके, नेक्स्ट है आपका कैल्शियम फॉस्फेट। आपको हर एलिमेंट का निकालना है मास परसेंटेज। फॉर्मूला गिवन है आपको, Ca3PO4 होल ट्वाइस। क्लियर? ये गिवन है आपको। तो आपके लिए पहले आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, इजी रहेगा। Ca3 जो ये 2 है वो पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट है सबसे मल्टीप्लाई में है, तो पहले P2 से होगा, फिर ऑक्सीजन से होगा, तो 4 2 8, ये आपका आ गया सिंपल फॉर्मूला। अब पहले यहां से इसका टोटल मास निकाल दीजिए। टोटल मास आपको पता है कैसे निकालना है, कैल्शियम का कितना होता है 40 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस फॉस्फोरस का कितना होता है 31 मल्टीप्लाई बाय 2, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 8। क्लियर? आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आएगा 310। ओके, 310 आएगा आपका। अब मास परसेंटेज कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम। क्लियर? तो कैल्शियम कितना प्रेजेंट है आपका, 120
40 इंटू 3 120 डिवाइड बाई 310 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर? अब तो आपको लर्न हो गया होगा कि मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका आएगा ये 38.7%। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मास परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस, पी का देखते हैं कितना प्रेजेंट है। 31 × 2 कितना होगा, 62 डिवाइड बाय 310 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आएगा आपका 20%। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो कितना है, 16 × 8 डिवाइड बाय 310 मल्टीप्लाई बाय 100। आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपको मैंने भी बताया था अगर मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करना है आपको, थर्ड एलिमेंट का निकालना है मास परसेंटेज, तो आप दो का निकाल चुके हैं, उनको ऐड करके 100 में से क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो 100 माइनस 3.87 प्लस 100 माइनस कितना होगा, 0.7, 8 and 5, तो कितना आया, 41.3 समथिंग। ओके, क्लियर? ये आएगा आपका, तो यहां से भी आपका वही आना है 41.3%। क्लियर है? ओके, तो इस तरह से निकालते हैं। आप चाहे तो दो का निकाल के इजी है माइनस कर दीजिए, सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व कर दीजिए। क्लियर? तो कोई भी दो एलिमेंट का जिनकी आप कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं, स्पीडली कर सकते हैं, उनका निकाल के जिसकी कैलकुलेशन आपको लेंथी लग रही है 100 में से माइनस कर दीजिए, आंसर आपका सेम ही रहना है। ओके, अगर आपको डाउट होता है तो आप पूरे को ऐड करके भी देख सकते हैं कि आपका 100 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ओके, अब यहीं पे देख लीजिए 100 है कि नहीं, 7 और 3 10 कैरी जाएगा आपका, 8 9 10 और 5 और 5 10। क्लियर? आगे आपका 100, तो आपका आंसर क्या है, करेक्ट है। आप खुद भी मैच कर सकते हैं कि आपने राइट किया है कि रोंग किया है। ओके, तो थोड़ी सी आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड अप रखनी होगी इसके लिए। नेक्स्ट है कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ कॉपर इन CuCl2। अब आपको सिर्फ कॉपर की कैलकुलेट करनी है, तो सिर्फ कॉपर की ही करेंगे। अगर हर एलिमेंट की बोलता है तो हर की करनी है आपको, अगर सिर्फ एक की बोली है तो हम एक की ही करेंगे। ओके, तो आपको कंपाउंड दिया है CuCl2 कॉपर। वैसे आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स तक का मास गिवन नहीं होता, बट दे भी देते हैं आपके लिए। कॉपर का होता है आपका 63.5 ग्राम, एटॉमिक मास कॉपर का 63.5 होता है। अब टोटल मास ऑफ कंपाउंड निकालते हैं, क्या होता है टोटल मास ऑफ कंपाउंड, फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय जितने प्रेजेंट है, यहां पे तो एक ही प्रेजेंट है तो 1 से मल्टीप्लाई, प्लस करते हैं आपका सेकंड एलिमेंट क्या है, क्लोरीन, कितना होता है 35.5 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, तो आपका आएगा 134.5। क्लियर? आपको निकालना है मास परसेंटेज ऑफ कॉपर, तो मास परसेंटेज ऑफ कॉपर निकालना तो बहुत इजी है। कॉपर का कितना मास है, 63.5 डिवाइड कर देते हैं 134.5 मल्टीप्लाई बाय 100, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा। आप सोल्व करेंगे तो आपका आएगा 47.2%। क्लियर? अप्रोक्स आपका 47% प्रेजेंट है कॉपर किसमें, CuCl2 में। ओके, तो ये था आपका परसेंटेज कंपोजिशन। आई होप आपको सब चीज़ क्लियर होंगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये 11th में बेस है, बट आपका दोनों क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है, 11th के लिए भी 12th के लिए भी, आपके JEE मेन वगैरह में भी क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। ओके, थैंक यू।